शेख, मेरा एक सवाल है। ये जनाबत की जो गुस्ल है, गुस्ल करने जी के टाइम में जैसे सर पे 3 दफा पानी डालनी पड़ती है, फिर उसके बाद दाएं बाएं हाथ हाथ में ऐसे लगाना चाहिए या सीधा लगाना चाहिए शेख साहब? भाई, देखिए गुस्ले जनाबत का दो तरीका है। एक जी सर, गुस्ले जनाबत का वाजिबी तरीका और एक मुस्तहब तरीका। वाजिबी और मुस्तहब के दरमियान फर्क ये है कि जो वाजिब है कम से कम उतना आपको करना है, उससे कम में नहीं होगा। और जो वाजिबी जो मुस्तहब तरीका है वो वाजिब से थोड़ा ज्यादा है, उसको अगर आप करेंगे तो उस पर आपको अजर मिलेगा मजीद। वाजिबी तरीका गुस्ले जनाबत का ये है कि आपके पूरे जिस्म पर पानी जाना चाहिए। अब वो कैसे जाएगा इसकी कोई कैद नहीं है। आप एक बार जी डालेंगे, दो बार डालेंगे, कितनी बार डालेंगे, पूरे जिस्म में नहाना है, ये उसका वाजिबी तरीका है, कम से कम इतना होना चाहिए। मुस्तहब तरीका जो गुस्ले जनाबत का है वो जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि सबसे पहले इंसान अपनी अपने दोनों हथेलियों को धुले, उसके बाद जो है वो शर्मगाह को धुले, उसके जी बाद जो है वो वजू करे। वजू कैसे करे? जैसे नमाज के लिए वजू करता है मुकम्मल उसी तरह से वजू करे। अब वजू करने में भी दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आप सर से लेकर पांव तक जितने भी आजाए वजू हैं सबको धो डालिए, उसके बाद फिर जो है नहाइए, सर पर पानी डालिए और नहाइए जैसे नहाते हैं। दूसरा तरीका वजू का यह है कि तमाम अजाए वजू को धो डालिए, सर पांव को छोड़ दीजिए, दोनों जी पांव को जो धोना है उसको आपने छोड़ दिया और नहा लिया। नहाने के बाद लास्ट में जब नहाकर फारिग हुए फिर दोनों जी पांव को धो लीजिए। तो ये मुस्तहब गुस्ल का तरीका है गुस्ले जनाबत में। अगर आपने वाजिबी जो तरीका है उसमें उससे कर लिया तब भी आपका गुस्ल हो गया, अगर आप मुस्तहब तरीके से कर रहे हैं तो आपको मजीद उस पर अजर मिलेगा इंशाल्लाह। और जाहिर है मुस्तहब तरीके पर ही अमल करना चाहिए ताकि आपको यहाँ पर ज्यादा अजर मिले उसका। और ये बात, जी एक बात और इजाफे के तौर पर आप याद रखें कि गुस्ले जनाबत में जो आपने वजू किया हुआ है ये वजू बाद में नमाज के लिए काफी है, आपको फिर अलग से वजू करने की जरूरत नहीं है। आपने जो वजू कर लिया है ये वजू काफी है बाद में नमाज पढ़ने के लिए।